हेलो एवरीवन दिस इज़ आयुषी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन सो इन टुडेस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू थ्री टॉपिक्स फर्स्ट इज़ एशियंट इंडिया सेकंड वन इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ वैदिक पीरियड तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और कौन सा टॉपिक कहाँ से शुरू होगा वो मैं प्रॉपर मिनट्स आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी तो आप पर्टिकुलर मिनट पर जाकर पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो सबसे पहले हम अगर हमें हिस्ट्री पता करनी है अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की तो हमारा आ, जो एशियन टाइम था उसके बारे में हमें पता होना चाहिए तो जो एशियन टाइम है उसको इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है आपको एशियन इंडिया में आप प्री हिस्टोरिकल पीरियड होता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक तो हम वन बाय वन इन एजेस को पढ़ेंगे तो जो हमारा सबसे पहला जो एशियन प्री हिस्टोरिकल पीरियड था वो जो स्टार्ट हुआ था आर्ट फैक्ट फ्रॉम बोरी महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे पहली बार अपीरियंस हुआ था ह्यूमन बींग का और अप्रॉक्सीमेट ये बात वन पॉइंट फोर मिलियन ईयर्स पहले की है जो टूल्स यहाँ पर यूज होते थे वो पत्थर के होते थे यहाँ पर कच्ची कतरन से बने हुई चीज़ें भी यूज़ होती थी कच्ची कतरन किसकी है ये स्टोन की है और किसी चीज़ की नहीं है इस पर्टिकुलर अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में वो देखें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो स्टो जो एज थी उसे हम स्टोन एज बोला करते थे और इस स्टोन एज को भी आ, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो आ, जो हमारी पीलियोलेथिक है उसे हम ओल्ड एज उसे हम स्टोन एज बोलते हैं जो मीजोलिथिक है उसे हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं और जो न्योलेथिक है उसे हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं और जो मीजोलिथिक एज है उसको बोला जाता है इन दोनों जो एजेस थी ये दोनों जो टाइमिंग था इन ता, इस टाइमिंग के ट्रांजिशन पीरियड का ये वाला एज था अब इनको कैटेगराइज किया गया है इनके ईयर के वाइज किया गया है फाइव लैख टू नाइन थाउजेंड बी तक जो था वो पैलोलिथिक था फिर नाइन थाउजेंड टू फोर थाउजेंड था और नियोलिथिक में फोर थाउजेंड टू थाउजेंड बी तक का टाइमिंग कवर हुआ था तो अब हम देखते हैं वन बाय वन इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन सो so, पहले पैलोलिथिक ऐज का जो रेंज है वो ये है आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या रेंज कौन सी एज को बिलोंग करता है इस एज में जो पर्सनस होते थे जो मेल फीमेल होते थे वो मोस्टली हंटर्स होते थे और फूड गैदरर्स होते थे उन्हें एग्रीकल्चर का कोई भी नॉलेज नहीं था लेकिन इस टाइम पे जो भी चीज़ें होती थी वो आग और मिट्टी के जो भी बर्तन बनते हैं या मिट्टी से बनी हुई चीज़ें जो भी रहती है उनका यूज़ होता था इन्हें एग्रीकल्चर का कोई भी यूज़ नहीं पता था और जो ये लोग रॉक केव में रहते थे और यहाँ पे जो स्टोन्स रहते थे बहुत रफ रहते थे अनपॉलिश रहते थे मतलब इन यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें अभी आई नहीं थी क्योंकि ये सबसे फर्स्ट एज है तो जो भी इनिशियल लेवल पे चीज़ें थी पत्थर थे रॉक थे मिट्टी थी आ, पत्थर को घिस के फायर निकलती थी इन सारी चीज़ों से ही ये वाली एज रिकॉग्नाइज की जाती थी इसीलिए इसको क्वार्टाइज इस मैन भी बोला जाता है इस पर्टिकुलर टाइमिंग में जो मेन थे जो आपके पुरुष थे उन्हें क्वार कॉट साइट मेन कहा जाता है जिसका मतलब सिंपल ये एक रॉक टाइप है तो आप इसे समझ सकते हो या कि ये जैसे बहुत हार्ड काइंड ऑफ बहुत सख्त पर्सन uh, उस टाइम पे होते थे इसी टाइम पे फर, होमोसेपियंस फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे इस एज को डिवाइड किया गया है थ्री फेज में इसके खुद के नेचर जिसमें जिस तरह के भी स्टोन इस टाइम पे यूज़ होते थे उसके बेसिस पे और इसके क्लाइमेट के बेसिस पे नेक्स्ट इज़ एज जो स्टार्ट होती है नाइन थाउजेंड टू फोर थाउजेंड बी सी में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये एक ट्रांस ट्रांजिशनल फेज़ है पेलियोलेथिक और एज के बीच में और यह, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही वार्म और ड्राई रहता है जिसकी वजह से चेंजेस आया था फ्लोरा एंड फाउना फोना में फाउना में सॉरी Uh, जो ह्यूमन बींग थे और ये जो चेंज आया था ये जो मेजर क्लाइमेट चेंज आया आ, आता था उस ड्यूरेशन में उसी की वजह से जहाँ जो ह्यूमन बींग्स थे उनको उनमें ये चीज़ आए कि उन्हें मूव करना चाहिए न्यू एरियाज़ में ट्राई करना चाहिए एक ही लोकेशन पे नहीं करना चाहिए जो रहने का सोर्स था इस टाइम पे हंटिंग फिशिंग एंड फूड गैदरिंग था ये चीज़ें अब उनको समझ में आने लगी थी कि फ़िशिंग कैसे की जाती है खाना किस तरह से कले गैदर किया जा सकता है और शिकार ये तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट था और जो जानवर थे उनको भी वो पालने लगे थे इस पर्टिकुलर एज में पेंटिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी रॉक के ऊपर या फिर किसी भी बड़े से माउंटेन के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई जाती थी और इसी टाइम का जो एग्जांपल है भीम का एम में ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को ही दर्शाता है तो अब है हमारा नेक्स्ट ईज डेट इज़ नियोलिथिक एज जो स्टार्ट होता है फोर थाउजेंड टू वन थाउजेंड बी में इस पर्टिकुलर एज में जो टूल्स टूल्स यूज होना चालू हो गए थे और वो टूल्स किसके बने हुए रहते थे पॉलिश स्टोन के बने रहते थे जो टूल से बना हुआ इक्विपमेंट था वो भी यहाँ पर आ गया था और हैंडमेड पोल्ट्री पॉटर व्हील्स इंट्रोड्यूस हो गए थे आ, वो इंट्रोड्यूस हो गए थे इस ड्यूरेशन में थे जो पर्सनस थे वो केव्स में रहने लगे थे वो अपनी दीवारों को सजाने लगे थे और जो पेंटिंग्स वो यूज़ करते थे दीवारों में वो हंटिंग या फिर डांसिंग सीन्स होते थे इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से भी आता है कि कौन सी जो एज है उसे कॉपर एज बोला जाता है या कैलकोलिथिक ऐज को एज क्यों बोला जाता है तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसी पर्टिकुलर एज में फर्स्ट टाइम मेटल इंट्रोड्यूस हुआ था और कॉपर यूज करना शुरू किया था मैन ने जो इंट्रोड्यूस हुआ जो चीज़ें इस ड्यूरेशन में यूज़ होती थी वो स्टोन और कॉपर होती थी और इसीलिए इसको कैलकोलेक् कल्चर भी बोला जाता है कैलकोलेक् एज भी बोला जाता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डी है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये चार पुरानी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से एक है और वो चार कौन कौन सी थी खुद इंडस सिविलाइजेशन नेक्स्ट मैसोपोटोमिया इजिप्ट एंड चाइना ये चार में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पार्ट है प्री हिस्टोरिक इंडिया का जो बिलोंग करता है ब्रॉन्स एज से ब्रॉन्स एज कब से कब तक थी 2500 टू तो 700 बीसी तक थी और इसी में कार्बन 14 डेटिंग का भी इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो चीज़ भी इसी पर्टिकुलर एज में आती है तो इससे ब्रॉन्स और कार्बन फोर्टीन डेटिंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको याद रखना है दयाराम साहनी हरप्पा 1921 में आया था हरप्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे से शुरू हो रहा है 1921। एंड आप उनका जिन्होंने लाए थे उनको ध्यान रखोगे दयाराम साहनी जो आर डी बैनर्जी थे उन्होंने डिस्कवर किया था मोहन जोदारो अभी सिटीज का एक ओवरव्यू है कि कब से कौन सी सिटी से ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से इसका मेन ग्राउंड था किस रिवर से शुरू हुआ था किस ईयर में डिस्कवर हुआ था और किसने इसको लेकर आया था ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चार्ट में दी गई है तो इस पर्टिकुलर चार्ट को हम देखते हैं जो हरप्पा थी वो पाकिस्तान पंजाब से इसका प्रोविंस प्रौविन, पाकिस्तान पंजाब था जो रिवर बिलोंग करती है वो रवि थी 1921 इसका ईयर था और डॉक्टर साहनी ने इसे लेकर आए थे इसी तरह से पूरा का पूरा टेबल है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अगेन मैं इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आता है इसी में इस टाइम पे जो टाउन प्लानिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी टाउन बनने लगे थे जो टाउन बने थे वो जो उसमें जो सिस्टम यूज़ किया था वो ग्रीड सिस्टम यूज़ किया था इसके जो रोड्स थे उनको कट किया गया था और टाउन बनाने के लिए लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स काटे गए थे और उसी के बेसिस पे ये टाउन प्लानिंग की गई थी यहाँ पर ब्रिक अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स यूज़ होने लगे थे इस टाइम पर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था मोहन ने बड़े बड़े पब्लिक बात बनाए जिनका जो बहुत ही अच्छे बात थे जिनका अगर मेज़रमेंट देखा जाए तो ट्वेल्व मीटर बाय 7 मीटर एंड टू पॉइंट फाइव मीटर डीप था इस टाइम पे जो अनाज था वो वीट बाले पी पीस सीज, सीज़मम मस्टर्ड राइस कॉटन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इस ड्यूरेशन में जो हरप्पन कल्चर है वो बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉटर्स व्हील है वो इंट्रोड्यूस होंगी वो उनका यूज प्रॉपर वे में होगा इस ए इसी पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन में इसी ड्यूरेशन में आ, एक ब्रॉन्ज इमेज बन के सामने आई थी जिस में में जो फेमस डांसिंग गर्ल होती थी उसे देवदासी बोला जाता था और ये इसी ड्यूरेशन में बाटर सिस्टम भी आया था बाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है सिक्सटीन जो हरप्पन सील्स थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी और ये सील बनती थी स्ट्री की जिसके एक साइड डिज़ाइन हुआ करती थी या इस ड्यूरेशन में जिस जो चीज़ की पूजा की जाती थी देवी की पूजा की जाती थी मदर की पूजा की जाती थी पीपल की बल बर्ड्स में डव एंड पीजियन स्टोन इन सब की पूजा की जाती थी इसमें मे पिक्ट्राफी एंड डिस साइफर्ड भी हुआ करता था और जो आर्यंस थे उन्होंने आक्रमण करने उन, उनके आक्रमण करने से इस ड्यूरेशन में अब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आती थी और जो हरप्पन थे उनका ब्रेकडाउन हुआ सोशल ब्रेकअप हुआ और अर्थक्विक आए और इसी तरह के जो एक, एकोलॉजिकल चेंजेस आए इसी के कारण ये वाले एज इफ़ेक्ट अब ये जो हमारा एज है डैट इज़ वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड को हम द आर्यंस के नाम से भी जानते हैं तो जो आर्यंस थे वो सेमी नॉर्मेडिक पोस्टरल प्यूपल्स थे जिनका ओरिजन हुआ था ओरिजन ओरीज, का जो एरिया था वो कैस्पियन सी था सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया थ्योरी दी गई थी मैक्स मुलर के द्वारा ये एंटर हुए थे प्रोबेबली फिफ्टीन हंड्रेड बी में जो वैदिक पीरियड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अर्ली वैदिक पीरियड एंड लाइटर वैदिक पीरियड इस पर्टिकुलर पीरियड में जो राजतंत्रीय फॉर्म था मतलब जिसमें एक राजा होता है बाकी प्रजा होती है वो वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस uh, हो गया था यहाँ पर सोसाइटी जनरेट हो गई थी फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया था कि जो मेल होता है घर का उसके ऊपर फैम uh, मेल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है पूरे घर की और सब कुछ डिपेंड होता है सोसाइटी पे बेसिक यूनिट एज अ सोसाइटी ये भी यहाँ पर आ गई थी जो आर्यंस थे वो फॉलोड करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी पोर्टल यहाँ पर जो यूनिट ऑफ एक्सचेंज स्टैंडर्ड था वो क्या था गाय द आर्यस पर्सनिफाइड द नेचुरल फोर्स एंड लुक्ड अपॉन देम एज अ लिविंग बींग जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो इंद्र देवता थे आ, उनका यहाँ पर थोड़ा सा बोलबाला था और उन्हें बोलबाला नहीं बोलेंगे इनकी इम्पोर्टेंस थी इंद्र भगवान की इम्पोर्टेंस थी और इन्हें वॉर लॉर्ड बोला जाता था उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है यहाँ इस पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर पेस भी बोला जाता है यहाँ पे टिनी ट्राइबल सेटलमेंट हुआ था यहाँ का इस टाइम पे जो किंगडम्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे उसके बाद पूरे के पूरे लोगों का डिवीजन हो गया था जो फोर डिवीजन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे डिविज़न्स इस ड्यूरेशन में हो चुके थे और जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ करने वाले होते थे जो क्षत्रिय होते थे वो योद्धा होते थे लड़ाई करते थे जो एग्रीकल्चर या फिर और कोई भी धंधा बिजनेस करते थे वो वैश्य होते थे और शूद्र इन तीनों के, के की सेवा करना कह सकते हैं या इन दोनों के इन सब का काम करने वाले होते थे इनको इनकी मदद करने वाले कौन सारे सर्वर्स कौन हो जाते थे शूद्र हो जाते थे और इन्हें इस पर्टिकुलर को इनके लोअर माना गया है या शूद्र को कह सकते हैं कि शूद्र के अपर लेवल वाले ये थ्री है यहाँ पे गोत्र का कॉन्सेप्ट आ गया था इंद्र और अग्नि अपना इंपॉर्टेंस खो चुके थे और जो प्रजापति थे प्रजापति को एज़ अ क्रिएटर सुप्रीम माना जाता था और यहाँ इस ड्यूरेशन में विष्णु जी का कॉन्सेप्ट आ, आ गया था विष्णु जी आ चुके थे मतलब सभी विष्णु को मानने लगे थे और उन्हें प्रोटेक्ट एज अ प्रोटेक्टर समझते थे कि वो पीपल्स को बचा रहे हैं That's all for today's video. Hope this information is beneficial for you. If yes, then click on like, share and subscribe button. Thank you so much.